नमः शिवाय, राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, सावन के महीने में जो भी पूजा की जाती है उसमें भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। हरियाली तीज की पूजा में भी माता पार्वती के पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि माता पार्वती सुहाग देने वाली है और माता पार्वती की पूजा इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए, हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। फिर हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप मिट्टी की मूर्तियां बना लीजिएगा। एक दिन पहले ही आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें। हरी हरी चूड़ियां आप हरियाली तीज के दिन जरूर पहने। पूरे 16 श्रृंगार करके हम पूजा करते हैं और मिट्टी की मूर्तियां बनाना जरूरी होता है, क्योंकि विधान यही है कि मिट्टी की मूर्तियों का पूजन किया जाता है। अब मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उसका विशेष आकार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ गोलाकार में, यानी इस तरह से देखिए, बिल्कुल इस तरह से बोल बना के एक गोल गोल, उसके रूप में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी गोलाकार में बना दिए हैं। आप चाहें तो पिंड आकार में भी मूर्तियां बना सकते हैं। तो यहाँ पर माता गोरा यानी पार्वती माता मैंने पिंड आकार में बना दी है। इसके साथ ही हमें शिवलिंग बनाने हैं, तो शिवलिंग बनाने आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इन्हें भी गोलाकार में या पिंडाकार में बना सकते हैं। यानी कुल मिला के हमें मिट्टी की मूर्तियां बनानी है और भाव रूप में उनका पूजन करना, मतलब ऐसा भाव आना चाहिए कि ये मूर्तियां बनी हुई है, आकार कोई भी हो। अब हमें एक देसी घी का दिया लेना है, रोली लेनी है, साथ में हमें चंदन लेना है, तिलक पर लगाने के लिए चावल हमें चाहिए होंगे। इसके साथ ही हम धूप ले लेंगे और कच्चा दूध हमें लेना। आप कच्चा दूध ले सकते हैं या आप चाहें तो पंचामृत बना सकते हैं। साथ ही एक लोटा शुद्ध जल हम ले लेंगे। इसके बाद दिया जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए होगी, दक्षिणा हमें लेनी है और भगवान शिव शंकर के पूजन में बेलपत्र जरूर लेते हैं, तो बेलपत्र तो हमें जरूर लेना है। और इसके अलावा भांग, धतूरा, समी पत्र और मदार, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो आप ले सकते हैं। के साथ ही शिव परिवार का कोई फोटो या मूर्ति आपके पास है तो आप उन्हें भी जरूर विराजमान कीजिएगा। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियों का ही पूजन होता है, लेकिन अगर आपके पास फोटो में भगवान शिव शंकर माता पार्वती हैं तो वो फोटो भी आप ले लीजिएगा। साथ में माता पार्वती को अर्पण करने के लिए 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहे 16 श्रृंगार चढ़ा दीजिए, नहीं तो चाहे आप 4 चूड़ियां चढ़ा दीजिए, लेकिन श्रृंगार का कुछ ना कुछ सामान आप जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद भोग के लिए हम कोई भी मिठाई ले लेते हैं, तो घेवर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी मिठाई हो वो आप ले लीजिए। साथ में हम ऋतुफल ले लेंगे, जो भी ऋतुफल आपके पास अवेलेबल हो वो ऋतुफल आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हम फूल ले लेंगे, तो हो सके माता पार्वती के लिए लाल रंग के फूल लीजिएगा, लेकिन लाल रंग के फूल ना मिल पाए तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं। और देखिए, अगर आप चाहें तो माता पार्वती के लिए आप साड़ी या तो चुनरी या ब्लाउज का पीस, यानी कोई भी कपड़ा समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साड़ी चुनरी ये सब समर्पित नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, फिर आप माता रानी के लिए चुनरी ले लीजिएगा। जो नवरात्रों में लाल रंग की चुनरी आती है ना, वो आप पार्वती माता के लिए ले सकते हैं। यानी कोई ना कोई कपड़ा आपको जरूर लेना है और बाकी सबको हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो कलावा ले लिया है। इस तरह से ये वो टोटल सामग्री है जो तीज के दिन पूजा के लिए हमें चाहिए होती है। मेन रूप से यही सामग्री चाहिए होती है। मेहंदी लगानी है, हरी चूड़ियां पहननी है, पूरा 16 श्रृंगार करके हमें ये पूजा करनी है। और देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पर चने पिरोने का विधान होता है। हमारे यहाँ पर चने पिरोए जाते हैं तीज के दिन, तो रात को ही चने भिगो के रख देते हैं, काले चने, और तीज वाले दिन शाम के समय झाड़ियों में ये चने पिरोए जाते हैं। आपके यहाँ चने पिरोए जाते हैं तो आप चने भिगो लीजिएगा, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो तीज के पूजन के लिए हमें चाहिए होती है। देखिए, बहुत सी जगह पर तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के निमित्त व्रत किया जाता है और ये पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए तीज के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पाने के लिए सबसे पहले तीज का व्रत किया था। और तब से ही ये माना जाता है कि जो भी महिलाएं तीज का व्रत और पूजन करती हैं उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो आप भी तीज के दिन माता पार्वती का पूजन जरूर जरूर करें। पूजन की सरल विधि और संपूर्ण विधि दोनों आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको तीज के व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल पाए। हरियाली तीज के पूजन की सामग्री का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।